इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का तीसरा टाइप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन का जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंस एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन इट्स सोल्यूबिलिटी इन द लिपिड्स। जो सब्सटेंसेस साइज में छोटे है या फिर जो लिपिड में सोल्यूबल है दे डिफ्यूज फास्टर कुछ सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन तो उनकी जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट की जाती है मतलब कोई एक मेम्ब्रेन प्रोटीन को ऐसे मॉलिक्यूल्स जाकर चिपकते हैं और फिर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन उसको पास करवाने के लिए मदद करता है यानी फैसिलिटेट करता है तो इसीलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं तो रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और सीओ टू ये बहुत ही रैपिडली डिफ्यूज करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन लेकिन अगर आप देखोगे कि जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है जैसे कि अमीनो एसिड्स या शुगर्स या फिर कोई आयंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक रीजन से रिपेल होते हैं जिसकी वजह से ये बड़े ही स्लोली डिफ्यूज होते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन तो इन आयंस के या फिर इन पोलर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स काम में आते हैं जिन्हें हम चैनल प्रोटीन्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं ये दोनों भी चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दोनों भी अलग है दोनों में फर्क क्या है वो हम आगे देखेंगे पर आपको अभी ध्यान रखना है कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को या ये फिर ये मूवमेंट के लिए मदद करवाता है तो इसीलिए ऐसी मूवमेंट को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अब क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन इनके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा है याद रखिए कि जो सिंपल डिफ्यूजन था दैट वॉज अनएडेड यानी कि वहां पर ऐसे किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद नहीं ली गई थी वहां पर डिफ्यूजन करवाने के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की या चैनल प्रोटीन की हमने मदद लेते हुए नहीं देखा था पर इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन चैनल प्रोटीन्स की मदद ली जाती है तो यह है फर्क बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और भी कुछ फर्क है जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है इट अलाउ द सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर द अपटेक तीसरा फर्क यह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको सेचुरेशन पॉइंट देखने को मिल सकता है जो कि सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट रेट एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन यूटिलाइज किए जाएंगे तब तो यह हो गया अगर समझ लो तो इसे सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे आप और एक बात फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स ये जो इनहिबिटर होते हैं ये उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जो साइड चेन होती है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं तो ये सारे फर्क है बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लेकिन हां ये दोनों भी प्रोसेसेस जो है अलॉन्ग ये तीनों यानी ऑजमोसिस सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये तीनों भी पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इनके दौरान एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती ना लेटस सी द टू मेम्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पहला कैरियर प्रोटीन और दूसरा चैनल प्रोटीन ये दोनों भी जो प्रोटीन है दे फॉर्म कंटिन्यूस प्रोटीन पाथवे अक्रॉस द लिपिड बाई कैरियर प्रोटीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म नोन एज पिंग एंड पोंग स्टेट नाम आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि फैमिलियर है थोड़ा सा पिंग पोंग कैरियर प्रोटीन अंडरगो अ रैपिड चेंज इन शेप एंड इट अल्टरनेट्स बिटवीन द टू कॉन्फर्मेशन इन द पोंग स्टेट इट इज एक्सपोज टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट ऑन द कैरियर प्रोटीन जब सोल्यूट इस कैरियर प्रोटीन को बाइंड कर लेता है तो फिर यह जो प्रोटीन है वो खुद के शेप में चेंजेस लाकर उस सोल्यूट को दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है सो नाउ इन द पिंग कॉन्फर्मेशन इट इज एक्सपोज टू द साइड विद लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड द सोल्यूट इज रिलीज तो पॉंग स्टेट जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूट की जो एरिया है उसके तरफ रहेगी और पिंग कॉन्फर्मेशन जो है वो लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाली एरिया की तरफ रहेगी Remember, this process is completely reversible and net flux across the membrane depends on the concentration gradient. A channel protein ki baat kar channel protein has a fixed shape and it forms a water-filled hydrophilic pore or channel through which a particular ion or the molecule diffuses. और याद रखिए कि डिफ्यूजन कैन ऑकर थ्रू द चैनल इन आइदर डिरेक्शंस वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ट्रांसपोर्ट बाय द कैरियर कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे तब यह पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एंड द फ्लो ऑफ सोल्यूट थ्रू द चैनल प्रोटीन इज ऑलवेज पैसिव और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जैसे कि पोरिंस। पोरिनस आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ट्रिया एंड सम बैक्टीरिया, अलाउिंग द मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू Water channels are made up of eight different types of aquaporins, aqua matlab water. So, water channels are made up of eight different types of aquaporins, which are membrane proteins for passive transport of water soluble substances. Now, let us see the example of facilitated diffusion.